सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपने कभी सोचा है रिश्तों का असली मतलब क्या होता है? मेरी राय में जो रिश्ते किसी मतलब के लिए बनाए जाते हों वो रिश्ते ही नहीं हैं। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, नफरत से, नाराजगी से, तो कभी गलतफहमी से। फूल की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत दोस्त से होती है, दोस्त की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत आपसे होती है। आज का पंचांग 31 मई 2024 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 9:38 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र सुबह 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:50 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 11:10 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 31 मई 2024 दिन शुक्रवार। आज आप सामाजिक मूड में हैं और हालिया सफलता का जश्न मनाने के लिए भी तैयार हैं। आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के कगार पर हैं जो शायद विवाह से जुड़ा हो सकता है। अनुबंध और बिक्री के कार्यों की समीक्षा करें, व्यय कम करें और बुरे दिन के लिए कुछ धन जरूर बचाएं। आज आप बहुत कुछ हासिल जरूर करेंगे। जल्दबाजी में आपका नुकसान ना हो इसलिए अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपने करीबी लोगों की सलाह को माने क्योंकि यह सलाह आपकी मदद कर सकती है। अपने व्यक्तित्व, उत्साह और दृढ़ संकल्प से सबका दिल जीत लेंगे। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। पिछले कुछ समय से आप जिस विशेष कार्य के प्रति प्रयासरत थे आज उस लक्ष्य को हासिल करने का बहुत अच्छा समय है। घर की देखभाल तथा पारिवारिक लोगों के साथ भी काफी समय व्यतीत होगा। आपकी उम्मीद तथा आशाएं कामयाब होगी। कुछ समय खुद के साथ भी व्यतीत करना चाहिए। नकारात्मक अनुभव के कारण आपको बड़ी सीख मिलेगी। जीवन में बड़ा सुधार लाना आपके लिए संभव होगा। जिन लोगों को मानसिक तकलीफ हो रही है उन्हें पिछली बातों को भूलने की कोशिश करनी होगी। नई बातों पर ध्यान दें, नई सोच बनाएं। विचारों में अटके रहने से आप वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। परिवार के कारण थोड़ी चिंता हो सकती है लेकिन आर्थिक पक्ष मजबूत बने रहने से काम संबंधित बातों पर फोकस बना रहेगा। रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है लेकिन जिस बात में आप समझौता कर रहे हैं उस पर भी गौर करें। सावधानियां, ज्यादा संदेहशील होने की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम बीच में ही अधूरा रह सकता है, इसीलिए प्रैक्टिकल बने। विद्यार्थी तथा युवाओं को कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। घबराने की वजह समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रियजनों की सलाह पर ध्यान दें क्योंकि आपको इसकी सख्त जरूरत है। आज आप अपने लवर से अपने सपनों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सितारे बता रही हैं कि प्यार के साथ आपका रिश्ता गहरा होता जाएगा। जब आप अपने अंतरात्मा की सुनना सीखेंगे तब जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे, खासकर जब यह रिश्तों से जुड़े हों। आज आपका लिव इन पार्टनर आप पर खास मेहरबान है और हो सकता है कि जल्द ही आप विवाह के बंधनों में बंध जाए। ऐसे में आपको उसके लिए कुछ खास करना तो बनता है। बात करते हैं करियर की। सार्वजनिक दुश्मन या राजनीतिक विपक्षी आज आपके लिए समस्या का कारण हो सकते हैं। नया वातावरण आपको नए मौके उपलब्ध कराएंगे, बस उनका सही उपयोग करें। हमेशा की तरह बेहतरीन योजनाएं बनाएं और सकारात्मक परिणाम पाएं। पार्टनर और करीबी साथी आपकी हर स्थिति में मदद करेंगे। आज आपको अपना काम संगीत की तरह लग सकता है और यह आपको मिल रही सफलता के कारण है। आपको आज बहुत कुछ हासिल करना है इसीलिए अच्छे से कमर कस लें। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि सब लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं। आपके नज़दीकी लोगों को आपकी ज़रूरत है इसीलिए उन्हें भी कुछ समय जरूर दें।
व्यावसायिक कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन किया है उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। कोई भी व्यापारिक फैसला लेना फायदेमंद साबित होगा, लेकिन रुकावट जैसी स्थितियों से भी गुजरना पड़ेगा। नौकरी में लक्ष्य आसानी से पा लेंगे। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधित मामूली समस्याएं आ जा सकती है, परंतु बिल्कुल भी लापरवाही न करें। अपना ख्याल रखें, ज्यादा हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। आज आपको नींद से संबंधित परेशानी आ सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें, गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।